हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एगलेस ऑमलेट या वेज ऑमलेट। एगलेस ऑमलेट बनाने के लिए हमने लिया है ये 1 कप बेसन, 1/3 कप हमने मैदा लिया है, ऑल पर्पज़ फ्लावर, 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया है, 1/2 टेबल स्पून हमने नमक लिया है, नमक आप स्वाद अनुसार लीजिए, ये 2 हरी मिर्चें हमने बारीक कट करके ली है, 1 मीडियम साइज़ का प्याज हमने बारीक कट करके लिया है, थोड़ा धनिया पत्ती हमने बारीक कट करके लिया है, पानी हमें लगेगा बैटर बनाने के लिए, ऑयल हमें लगेगा ऑमलेट फ्राई करने के लिए। तो आइए एगलेस ऑमलेट बनाना शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम एगलेस ऑमलेट का बैटर बना लेते हैं। इसके लिए हम ये 1 कप बेसन लेंगे, 1/3 कप हम मैदा लेंगे, ये फिर हमने बेकिंग पाउडर लिया है और नमक हम 1/2 टेबल स्पून लेंगे। आप आपके टेस्ट के अनुसार नमक लीजिए। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसका घोल बनाएंगे। घोल में लम्स नहीं रहने चाहिए। हमें इसका पतला घोल बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए घोल की। अभी हम इसमें ये प्याज जो हमने कट करके लिया है बारीक, धनिया पत्ती और हरी मिर्ची, ये सभी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं 1 का, वैसे सेम ही प्रोसेस से हम इसे बनाएंगे। आइए फ्रेंड्स, हमारा तवा गर्म हो चुका है। इसके ऊपर हम ये 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसको पूरी तरह से तवे पे स्प्रेड करेंगे। ये जो घोल हमने बनाया है इसको हम सिर्फ इसे स्प्रेड करना है। इसे हम 2 मिनट के लिए एक साइड से पकने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ऑमलेट अभी नीचे से पक चुका है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल करेंगे और इसे पलट देंगे। इस तरह से हम इसे तरह से निकाल लेंगे और अच्छे से पलट देंगे। ये देखिए हमारे ऑमलेट का कलर कितना अच्छा आया है। नीचे से भी हम इसे थोड़ा सा पकने देंगे। आइए फ्रेंड्स, हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ऑमलेट दूसरे साइड से पका है क्या। ये देखिए एकदम अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं, प्लेट पे निकाल लेंगे। आइए फ्रेंड्स, अभी हम दूसरा ऑमलेट बना लेते हैं। सेम प्रोसेस से हमें दूसरा ऑमलेट बनाना है।
ऑयल को हम अच्छे से स्प्रेड करेंगे। गैस की फ्लेम हमने लो रखी है। ये भी हमें ऑमलेट डालना है तो घोल को हमें हिला लेना है ताकि जो हमने चीज़ें घोल में डाली है वो नीचे बैठ जाती है। सिर्फ इस तरह से आइए फ्रेंड्स, इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल करेंगे और इसे पलटेंगे। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। आइए फ्रेंड्स, हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ऑमलेट नीचे से बना है क्या। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसको। इसी तरह से हमने सभी ऑमलेट बना लिए हैं। ये मैं निकाल लेती हूँ। आइए फ्रेंड्स, ये हमारा एगलेस ऑमलेट बनके तैयार हो चुका है। इसे आप मिंट चटनी या टोमेटो सॉस के साथ खा सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी बना है, बिल्कुल अंडे के ऑमलेट जैसा ये बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको इसका टेक्सचर बताती हूँ। देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। बिल्कुल हम जैसे एक का ऑमलेट बनाते हैं उस टाइप का इसका टेक्सचर आया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।